वुहान से आए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, जिसको लेकर कोई भी देश कोताही नहीं बरत रहा। कोरोना वायरस के चलते हरियाणा सरकार हर दिन नई एडवाइजरी जारी कर रही है। गुरुवार को शिक्षा विभाग ने पत्र जारी करते हुए सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल के टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की छुट्टी के आदेश दिए हैं। विभाग ने इन्हें पेपर जांच व अन्य काम को घर से निपटाने की सलाह दी है। कोरोना वायरस के चलते फतेहाबाद के दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कार्यालय में पोस्टर लगाया गया है कि सभी उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए बिजली कार्यालय में कम से कम आए। बिजली विभाग से संबंधित किसी भी समस्या के लिए घर बैठकर 1912 पर फोन मिलाकर शिकायत दर्ज करवाएं। कोरोना के चलते चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है। सचिवालय में दाखिल होने वाले हर शख्स का तापमान चेक किया जा रहा है। 99 डिग्री टेम्परेचर वाले शख्स को सचिवालय में एंट्री नहीं दी जा रही है। ऐसे लोगों को डॉक्टर के चेकअप करवाने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा अधिकारियों से लेकर हर किसी के हाथ सैनिटाइजर से वॉश करवाकर ही अंदर जाने दिया जा रहा है। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वायरस को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा है कि हाथ जोड़कर अभिवादन करो, हाथ मत मिलाओ, कोरोना जैसी बीमारियां घर मत लाओ, आप अपने आप को परिवार को बचाओ। कोरोना वायरस के कारण देश भर में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। इसी कड़ी में अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी बड़ा फैसला लेते हुए 10वीं तथा 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 31 मार्च तक स्थगित कर दी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अब 31 मार्च के बाद परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा करेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने परीक्षा स्थगित करने की जानकारी देते हुए बताया कि 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं जहां 31 मार्च 2020 तक स्थगित कर दी गई हैं, वहीं 19 मार्च 2020 से शुरू हो रही पहली से आठवीं कक्षाओं की परीक्षाएं भी 31 मार्च तक के लिए टाल दी गई है। शिक्षा बोर्ड ने इससे संबंधित एक पत्र भी जारी किया है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दरअसल मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के बाद सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। मंत्रालय ने इसके अलावा देश के तमाम शिक्षा बोर्डों को अपने यहाँ की सभी तरह की परीक्षाएं स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने भी इसके बाद अपनी परीक्षाएं स्थगित कर दी है। इधर हरियाणा शिक्षा विभाग ने पहली से आठवीं कक्षा की परीक्षाएं भी 31 मार्च 2020 तक के लिए टाल दी है। ये परीक्षाएं 19 मार्च से शुरू होने वाली थी। सरकार ने इस अवधि में प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद कर दिया है। हरियाणा परिवहन विभाग ने जम्मू से कटरा सहित दूसरे राज्यों को जाने वाली कई रोडवेज बसों का संचालन अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 18 मार्च को एचआरडी मंत्रालय ने परीक्षाओं को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, जिसके बाद सीबीएसई ने 31 मार्च 2020 तक होने वाली अपनी सभी परीक्षाओं को टाल दिया है और कॉपियों की जाँच पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अप्रैल में होने जा रही जेई मेन 2020 परीक्षा की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू ने सभी परीक्षाएं 2 अप्रैल तक टाल दी हैं। यूनिवर्सिटी ने सभी एडमिशन एग्जाम भी इस समय अवधि के लिए टाल दिए हैं। वहीं यूपी में बच्चों की परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें बिना परीक्षा अगली कक्षाओं में प्रमोट करने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए जेई मेन की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। पहले जेई मेन की परीक्षा 5, 7, 9 और 11 अप्रैल को होनी थी, अब इस परीक्षा की नई तारीख 31 मार्च को घोषित की जाएगी। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि किस राज्य में कौन कौन सी परीक्षाएं कोरोना वायरस के कारण कैंसिल हो गई। दिल्ली के सभी स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। हरियाणा में कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। यूपी में 1 से 8वीं तक मूल्यांकन के आधार पर बिना परीक्षा प्रमोशन दिया जाएगा। आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल की गई हैं। गोवा में 8वीं की तक की कक्षा की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 2 अप्रैल तक सभी परीक्षाएं टाल दी गई हैं। मेघालय में स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे। असम में स्कूल बंद किए गए हैं और 29 मार्च तक सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। तो वहीं तमिलनाडु में भी 31 मार्च तक की प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में सभी स्कूल और कॉलेज बंद है। कर्नाटक ने 7वीं व 9वीं की कक्षाएं परीक्षाएं स्थगित कर दी है। पश्चिम बंगाल में सभी एजुकेशनल संस्थान 31 मार्च तक बंद रहेंगे।
राजस्थान विश्वविद्यालय की 19 मार्च से 31 मार्च की सभी परीक्षाएं स्थगित। आईटीआई कानपुर में 29 मार्च तक सभी कक्षाएं कैंसिल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर क्लासेस सस्पेंड तथा टीचर वर्क फॉर होम पर जारी कर दिया गया है। जामिया में ऑनलाइन क्लासेस और लाइब्रेरी से पढ़ाई होगी। नागपुर यूनिवर्सिटी ने परीक्षाएं टाल दी हैं। आईटीआई बॉम्बे की भी गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। आईआईएम इंदौर में सभी कक्षाएं और परीक्षाएं टली। एलयू में यूजी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। स्कूल बंद करने के बाद लद्दाख में सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बंद कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस के चलते भर्ती और एंट्रेंस परीक्षाएं भी टल गई हैं। आइए अब इन पर भी एक नजर दौड़ाते हैं। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कैंसिल की शिक्षक पत्रकारिता परीक्षा। आईटीबीपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा टल गई है। आरबीआई असिस्टेंट मेन परीक्षा 2020 टली। बिहार लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी। सेना ने सभी भर्ती रैली एक महीने तक के लिए टाल दी है। दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस मेन एग्जाम स्थगित कर दिए गए हैं। केरल पीएससी भर्ती परीक्षा टल गई है। एलयू में पीएचडी प्रवेश परीक्षा स्थगित हो गई है। एएमयू में कक्षा 6 व 9 की प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के तहत उससे सटे हरियाणा में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंगलवार को जहां संदिग्ध मरीजों की संख्या 2529 थी, वहीं बुधवार को इसकी संख्या बढ़कर 30,041 हो गई है। केंद्र सरकार के निर्देशों पर हरियाणा सरकार द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और इसी के तहत ये तमाम फैसले किए जा रहे हैं। हरियाणा में इसलिए स्थिति चिंताजनक हो गई है क्योंकि यहां एक ही दिन में 512 नए संदिग्ध मरीज सामने आए हैं। इसके बाद हरियाणा सरकार ने ताबड़तोड़ कदम उठाए हैं। रोहतक में बुधवार को कोरोना वायरस के 3 संदिग्ध मरीज सामने आए, जिनमें से 2 मरीज ब्रिटेन से यहां पहुंचे हैं, वहीं एक स्थानीय महिला है। आपको बता दें कि अभी तक सामने आए सभी 512 नए संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है। बुधवार को संदिग्ध मरीजों की कुल संख्या 3632 तक पहुंच चुकी है। अभी तक कुल 91 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 68 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शेष की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। जो नई गाइडलाइन सीबीएसई द्वारा और शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी की गई है, क्या कुछ है वो बताइए। थैंक यू समाचार एक्सप्रेस, आपने एक बड़े ज्वलंत मुद्दे को लेकर और लोगों को जानकारी देने के लिए विषय उठाया कि जो कोरोना को लेकर ये जो स्कूलों का एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, उसको रिलेटेड सभी सीबीएसई के स्कूल सीबीएसई की गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने दी है कि कोई भी एग्जाम जो 31 मार्च तक है वो नहीं होगा, सबको पोस्टपोन किया जाता है। उसी श्रृंखला में जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं करनाल के 122, उन्होंने भी ये निर्णय लिया है कि उपायुक्त महोदय ने भी लेटर 2 दिन पहले ले लिया था कि कोई भी मैनेजमेंट लेवल के जिसमें डिसीजन चेंज हो सकता है तो उस हिसाब से चलें। तो आज सभी ने डिसीजन ले लिया है क्योंकि जब सीबीएसई ने अपने पेपर स्थगित कर दिए तो स्कूलों ने भी कर दिए। इवन टैगोर स्कूल के भी 2 पेपर आज का और कल का रहता था, तो हमने अब हम पेपर ही नहीं लेंगे और बच्चों को एवरेज बेस पे रिजल्ट दे देंगे ताकि पेरेंट्स को किसी तरह की घबराहट ना हो। सब एक ही क्वेश्चन होता है, जैसे भी माहौल तबीयत बीमारी का शांत हो जाएगा और जब नई डेट्स हो जाएंगी तो हम रिजल्ट्स की डेट पेरेंट्स को दे देंगे। तो मेरा सभी स्कूलों से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि वो बच्चों को अपने घरों में रखें, सुरक्षित रखें और किसी तरह की बीमारी से बचा के रखें और किसी भी ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर भीड़ हो। और सभी स्कूल भी अभी एक आज या कल में आज ही ट्राई कर रहा हूँ कि एक जनरल मीटिंग लेके और सारा कॉमन पेरेंट्स मीटिंग ये वो 31 के बाद एक ही तरह से चले ताकि पेरेंट्स अलग अलग स्कूलों की प्रोग्रामिंग को लेकर गुमराह ना हो, परेशान ना हो और किसी तरह के उसमें ना रहे कि उस स्कूल ने ये कर दिया, उस स्कूल ने वो कर दिया, ताकि जो भी कॉमन प्रोग्राम है सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए उसे ही हम लोग फॉलो करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.